विक्रम सिंह सरकार को भी धन्यवाद बनता है, सरकार ने कई बातें मानी है, हो सकता है और कुछ भी अगली माने, सरकार का भी समर्थन करना, सरकार की बात को स्वीकार करना भी हमारा धर्म है, ताकि सरकार हमारी और मदद करे। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत आभार सर, और आदरणीय पिता कुमार सुरेंद्र दुबे सर का भी बहुत बहुत आभार सर, और हमारे बड़े भाई आदरणीय ग्राम प्रहरी का भी बहुत बहुत नमस्कार। सर वास्तव में सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन जो अधिकारियों की सर जो चौकरी है ये कहीं ना कहीं गुमराह करना चाहती है हम लोगों का 17। अब आप खुद समझिए कि जो मुख्यमंत्री स्पेशल बाईवान से 17,000 की फाइल दिल्ली भेजता हो वो पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है, तो इन अधिकारियों के चलते नहीं मिल पाया है सर 17। हमने कई बार आपको बताया सर इस चैनल के माध्यम से कि 14 अप्रैल को जब पूरा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहा था, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल बाईवान से हम लोगों की 17,000 फाइल को दिल्ली भेजवाकर पास करवाया था, लेकिन वो तो अधिकारी थे राजप्रताप सिंह जैसे अधिकारी जो अनुदेशकों के लिए खलनायक की भूमिका में थे, और इन्होंने आज अनुदेशकों की जो स्थिति है इन अधिकारियों के चलते है, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत कुछ देना चाहते हैं और देंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो संत है, महात्मा है। हमने देखा है गोरखपुर में जब कोई पीड़ित होता था माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पहुंचकर उसकी समस्या का समाधान करते थे, लेकिन आज ये नौबत ऐसी बनाई गई अधिकारियों के द्वारा कि हमारा 17,000 से लेकर हमारी सभी फाइलों को इन अधिकारियों ने कहीं ना कहीं रोकने का कार्य किया है, और ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास फाइल पुटअप भी नहीं करते हैं। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 17,000 की फाइल पुटअप कर दी जाए या 24,000 की फाइल या निमित्तीकरण की फाइल, हमें पूरा विश्वास है कि योगी जी उस फाइल को अवश्य पास करेंगे, क्योंकि योगी जी तो लोगों की दुख को महसूस करते हैं, उनकी पीड़ा को महसूस करते हैं, और पीड़ा को महसूस करने के बाद त्वरित उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो हमें लगता है इन अधिकारियों के द्वारा गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है सर, और अनुदेशक क्या कार्य करता है सर, आज इसकी एक वानगी मैं आपको भी दिखाऊं। अंबेडकर नगर में एक विद्यालय है जहां पर 2 सहायक अध्यापक है और 3 अनुदेशक है, एक दिन में 24 क्लास होता है सर, 3 क्लास है, 8 घंटी होती है, मतलब 24 क्लास। अनुदेशक जो इंचार्ज प्रधान अध्यापक है वो पढ़ाते हैं 2 पीरियड। मैं बार बार इस बात को क्यों कहता हूं कि अनुदेशक आज उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग चला रहा है, ऐसे तमाम उदाहरण है सर, जो इंचार्ज प्रधान अध्यापक है वो पढ़ाते हैं 24 पीरियड में 2 पीरियड, जो सहायक अध्यापक है वो पढ़ाते हैं 24 पीरियड में 4 पीरियड, मतलब 4 × 2 = 6, 80,000 लेने वाले, मतलब 1,60,000 रुपया पाने वाले 24 क्लास में 6 क्लास लेते हैं, और 3 अनुदेशक हैं, बचा 18 पीरियड, तीनों अनुदेशक 6-6 क्लास पढ़ाते हैं। अब आप बताइए 24 पीरियड में 24 क्लास में हमारा अनुदेशक 9,27,000 पाने वाला वो 18 क्लास ले रहा है, और 1,60,000 पाने वाला मात्र 6 क्लास ले रहा है। तो ये तो सर मैं कुछ सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, हम तो आदरणीय मनोज पंडित सर से भी कहना चाहेंगे सर, आप सर आपको यदि हमारी काबिलियत पे भरोसा नहीं है, हमारे क्रियाकलापों पे भरोसा नहीं है, तो हम तो सर आपको कहते हैं कि उन अधिकारियों को कहिए जरा एसी कमरों से बैठकर विद्यालय में जाए, और जो कहते हैं कि अनुदेशक 2 घंटा पढ़ाता है, अनुदेशक 1 घंटा पढ़ाता है, अनुदेशक अंशकालिक है, उन अधिकारियों को बताइए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी को ये अधिकारी गुमराह करते हैं। वो कहते हैं कि अनुदेशक, अरे महाराज जी अनुदेशक तो सिर्फ 2 घंटा पढ़ाता है, इसको क्या जरूरत है नियमित करने का। तो मैं आदरणीय मनोज पंडित सर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप सर उत्तीर्ण अधिकारियों को कहिए कि एसी कमरों से जरा बैठ कर विद्यालय में जाए और देखें कि जो 13,776 विद्यालय है, जिन विद्यालय में अनुदेशक रखे गए हैं वो करते क्या है सर। हम तो सर आपको बता रहे हैं कि 10,000 से ऐसे ज्यादा ऊपर विद्यालय है जिसको सिर्फ और सिर्फ अनुदेशक चला रहा है, कहीं एक अध्यापक
शारीरिक शिक्षा हो, कला हो, कंप्यूटर हो, वो भी पढ़ाएंगे। मतलब हम 100% कार्य हम करें लेकिन हमको 9000 मिले। और जो बैठकर कुर्सी तोड़े, सर मैं देखता हूँ बहुत पीड़ा होती है सर विद्यालय में, जब 70-80 हजार पाले। सर मैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप कहिए इनको जाए 70-80 हजार। हमको उनसे समस्या नहीं है सर, वो 70-80 हजार क्या 2 करोड़ पाए, हमको उससे समस्या नहीं है। आपके पास विक्रम सिंह, मैं दोबारा फिर आऊंगा, मनोज जी से पूछ लेता हूँ। हमारे साथ बीजेपी के नेता मनोज पंडित जी है, वही एक बड़े समाज सेवक, बड़े किसान नेता और बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी है। मैं उनका दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं सीधा मनोज पंडित जी से सवाल कर लेता हूँ। मनोज पंडित जी, एक ही छत के नीचे दो बेहतर, ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, हर राज्य में, हर राज्य की सरकारों में ये एक बड़ी विजन।